भिंड महगांव दंदरुग धाम मंदिर पर आज केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर एवं प्रदेश के दो राज्य मंत्री ओपीएस भदौरिया और भारत सिंह कुशवाहा के साथ मंगलवार को भिंड जिले के प्रवास पर रहे। वे यहां दंदरुग धाम में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने मीडिया से खाद की किल्लत और लंपी वायरस से निपटने की रणनीति पर भी चर्चा की। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर मंगलवार को भिंड जिले के प्रसिद्ध ऐतिहासिक दंदरुग धाम पहुंचे। वे यहाँ श्री संत निवास भूमि एवं शिलान्यास कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आए थे। केंद्रीय मंत्री के साथ राज्य मंत्री भारत सिंह कुशवाहा, नगरीय प्रशासन आवास मंत्री राज्य मंत्री ओपीएस भदौरिया, पूर्व विधायक राकेश शुक्ला भी मौजूद रहे। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए केंद्रीय मंत्री ने बताया कि दंदरुग धाम महंत रामदास महाराज ने कहा था कि इस कार्यक्रम में आना ही है, इसलिए उनके आदेश का पालन करते हुए यहाँ आए हैं। डॉक्टर हनुमान जी के दर्शन दर्शन की और प्रार्थना भी की। वहीं चंबल अंचल के किसानों को खाद की किल्लत को लेकर पूछे गए सवाल पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रदेश में खाद की कोई कमी नहीं है। अगर भिंड के किसानों प्रशासन मिलकर व्यवस्था करेंगे तो जिले के हर किसान को खाद उपलब्ध हो जाएगा। इतनी व्यवस्था प्रधानमंत्री ने कर रखी है। उन्होंने कहा कि भिंड मुरैना ग्वालियर के सभी किसानों को कहना चाहता हूं कि अगर आज खाद की रेक आती है तो हो सकता है कि कुछ किसान छूट जाएं, लेकिन अगले दिन दूसरी रेक आएगी तो उनको भी खाद उपलब्ध होगा, उसका इंतजार कीजिए। लेकिन खाद की कहीं कोई कमी देश में नहीं है। लंबी वायरस को लेकर केंद्रीय मंत्री ने बताया कि सरकार लगातार प्रयास कर रही है। उन्होंने कोरोना महामारी का उदाहरण देते हुए कहा कि हमने उस दौर में भी स्वदेशी टीका बनाया और 200 करोड़ लोगों को मुफ्त में टीका लगवाया। वैसे ही किसान चिंता न करें, केंद्रीय कृषि मंत्रालय के अधीन ICR रिसर्च इंस्टीट्यूट ने लंबी वायरस का टीका ईजाद कर लिया है और उसके व्यवसायीकरण करने का वारंट दे दिए गए हैं। जल्द ही 1 करोड़ डोज प्रतिमा की उपलब्धता से मिलना प्रारंभ हो जाएंगे। खबर हरबल के लिए प्रेम नारायण शर्मा की खबर। दंदरुग धाम में हर विनती इसलिए स्वीकार होती है कि यहां पर संत रामदास जी महाराज विराजमान है। संत रामदास जी महाराज की तपस्या। नवरात्रि महोत्सव के अवसर पर सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे दंदरुग महाराज, संत श्री रामदास जी महाराज की प्रेरणा से यहाँ पर एक बड़ा संत निवास निर्माण होने जा रहा है, जिसमें ध्यान केंद्र की व्यवस्था भी होगी, संतों के निवास की व्यवस्था भी होगी। तो महाराज जी का आदेश था कि हर हालत में आना ही है, तो उनके आदेश के पालनार्थ मैं यहाँ उपस्थित हुआ। हनुमान जी के दर्शन भी किए, उनसे प्रार्थना भी की, और त्यौहार के दिन हनुमान जी के दरबार में, राम जी के दरबार में और दंगरुआ धाम में और रामदास जी महाराज के चरणों में आज हम सब लोग उपस्थित हैं। मेरे साथ हमारे उद्यान की मंत्री भारत सिंह जी भी यहाँ हैं, नगरीय विकास मंत्री ओपीएस भदौरिया जी भी हैं, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष नाथू सिंह जी भी हैं, पूर्व विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाहा जी हैं, पूर्व विधायक राकेश शुक्ला जी हैं, जिला पंचायत के अध्यक्ष हमारे सुनील भाई तो पति हैं, कामना सिंह और केपी सिंह भदौरिया जी, थापक जी, भारद्वाज जी। एक राजनीति समर्थक से प्रदेश में कैस लगाया जा रहा है कि सीएम पद बदला जाएगा, इसमें कहा था अभी हनुमान जी के दरबार में सीधी सीधी बात है और उसका कमर्शलाइजेशन भी हो गया है, और जो कंपनी ने अपना कोरोना का टीका बनाया था उसी का काम मिला है, और जल्दी जल्दी वैक्सीन तैयार होके और आ रही है। लेकिन गोल्ड पॉक्स अभी हमारे पास है और वो सभी प्रांतों को हम दे रहे हैं और उससे भी निश्चित रूप से फ़ायदा मिल रहा है। आज जो शिलान्यास हुआ है शिलान्यास से कितना लाभ? तो दंगरुआ धाम है, हनुमान जी की कृपा से संत निवास का शिलान्यास हुआ है। ये बड़ा स्थान है, हर बड़ा बड़ा संत यहाँ आना चाहता है, तो अपने क्षेत्र में आए, धाम में आए, तो अच्छी जगह उसके रुकने के लिए होनी चाहिए। महाराज जी की कृपा से आज शिलान्यास हो गया, ये संरचना बन जाएगी तो निश्चित रूप से संतों के काम आएगी और यहाँ संत प्रवचन चलते रहेंगे, जिससे कि पूरे क्षेत्र को, लोगों को दिशा मिलेगी। आपने तो यूरिया के बारे में कहा है कि फर्टिलाइजर और महाविद्यालय की भी मांग की गई है, जिले में पर्याप्त के लिए मांग की गई है। फर्टिलाइजर की कोई कमी नहीं है कंट्री में जी। मैं आग्रह करना चाहता हूँ किसानों से कि कोई को आपाधापी करने की ज़रूरत नहीं है, किसी को कालाबाजारी करने की ज़रूरत नहीं है। फर्टिलाइजर इतना है कि जितना तुम्हारे खेत में आवश्यकता उतना फर्टिलाइजर मिलेगा।